तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट जो कि वर्कबुक से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली स्टोरी इस तरह से है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से मुझे डेटा को डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे मुझे डेटा को डाउनलोड करना पड़ता है। तो जब भी हम डेटा को डाउनलोड करते हैं, जब भी हम डेटा को डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है कि मुझे एक फाइल का पाथ देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड कर देता है। सॉरी सर, एक कॉल आ गया था। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि डेटा जो है डाउनलोड करना होता है, तो मेरा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि डेटा को डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर पाता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऐसे सिस्टम उसके अंदर है ही नहीं। तो मुझे एक एक्सेल की फाइल का पाथ बताना होता है, वो एक्सेल की उस फाइल पे जाके फिर उसको डाउनलोड, उसमें डेटा को कॉपी पेस्ट कर देता है। प्रॉब्लम समझ में आया सर? हेलो, हाँ सर, जी सर, तो प्रॉब्लम हमारा यही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक ऐसा मैक्रो बनाना है कि क्या था डेटा डे वाइज सेव होता है। तो मुझे क्या करना होता है कि पहले मैं अपनी ड्राइव में जाता हूं, जैसे कि मैं डी ड्राइव में गया,
डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाता हूँ जो कि 2017 की फोल्डर होती है। इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, महीना कौन सा चल रहा है 10, एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ 10, दसवां महीने का फोल्डर बनता है। और उसके बाद दसवें महीने के फोल्डर में आज डेट कौन सा है 4 है, तो फिर यहाँ पे न्यू करता हूँ 4, और इसके अंदर फिर मैं फाइल बनाता हूँ फोल्डर में, यहाँ पे एक्सेल फाइल बनाता हूँ जिसका नाम 4 होता है। तो मुझे यहाँ ये डेली बेसिस पे करना होता है, समझे, कि 2017 के अंदर करंट मंथ का फाइल फोल्डर अगर बना हुआ है तो कोई बात नहीं, 2017 का फोल्डर बना हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं तो बनाना पड़ता है। फिर इस महीने का फोल्डर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो बनाना पड़ता है। फिर आज का फोल्डर बना हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं होता बनाना पड़ता है। फिर उसके आज की फाइल को सेव करना पड़ता है। मैं इसी काम को चाहता हूँ वीवीए के थ्रू ऑटोमेट करना। तो प्रोसीजर समझ में आ गया आपको, और मैं सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग उसको चाहता। तो मैं यहां करता हूं यहां पे कि y इक्वल टू, मैंने बोल दिया कि ईयर, और ईयर में से हमने डेट को निकाला। फिर मंथ m इक्वल टू, हमने यहां पे मंथ लगाया और इसके अंदर डेट डाला, और हमने d लगाया इक्वल टू डे, इस वजह से फिर हम डेट निकालते। अब ये क्या है, ये चीज को समझिए। सबसे पहले बात समझिए कि ये वाई एम डी है क्या, ये वेरिएबल है, मतलब कि एक टेम्परली सेविंग लोकेशन। वीवीए के अंदर में कोई वैल्यू को स्टोर करना होता है, मुझे मान लो 2+2 करना है, तो 2+2 4 कहां सेव होगा, तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा 2+2, 2+2 का रिजल्ट O पे सेव करेगा, और जहां पे मुझे 4 की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम O को लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, कि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कि मैथमेटिक्स में हमारा ये होता है कि आपका एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एबीसीडी ले लेते हैं, कि x इक्वल टू 100, जहां पे 100 की जरूरत पड़ी वहां पे हम x का इस्तेमाल करते हैं, सेम लाइक। अभी डेट क्या है, डेट एक फंक्शन है वीवीए का जो कि करेंट सिस्टम डेट को शो करता है। जैसे कि एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला होता है, एक्सेल में हमारे पास टुडे का फॉर्मूला होता है जो कि सिस्टम डेट को शो करता है, हर बार चेंज होते रहता है, सिस्टम डेट चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तीन फॉर्मूले लगाए, एक फॉर्मूला लगाया ईयर का जो कि इसमें से ईयर को अलग करेगा, एक फॉर्मूला लगाया मंथ का जो कि इसमें से मंथ को अलग करेगा, एक फॉर्मूला लगाया मैंने डे का जो कि इसमें से डे को अलग करेगा। तो तीनों 2017, 10 एंड 4, यहाँ ईयर जो अलग होगा 2017 वो वाई पे स्टोर हो जाएगा, और मंथ जो हमने हमारा 10 हुआ वो एम पे स्टोर हो जाएगा, और डे जो हमारा 4 हुआ वो डी पे स्टोर हो जाएगा। मतलब जो 2017 जहाँ चाहिए वहां वाई लूंगा, जो मुझे मंथ चाहिए 10 वहां पे एम, और जहां पे डे चाहिए 4 वहां पे डी। कोई कुछ बोल रहा था? हाँ जी सर, मैं था। हाँ जी सर, हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, मैं एक इसमें एक चीज ये पूछ रहा था कि ना, जो हम वेरिएबल्स जैसे यो भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें ये कैसे पता लगेगा कि जैसे आपने ईयर लिखा और ब्रैकेट में डेट डाल दिया, कि कौन सी चीज ब्रैकेट में डालनी है, किसके पैरामीटर्स देने हैं, किसके नहीं देने हैं? वो ईयर क्या है, एक फॉर्मूला है, ये एक्सेल का फॉर्मूला है। हाँ जी, जैसे आप ईयर अप्लाई करके ओपन करोगे तो यहाँ पूछ रहा है डेट, इसके अंदर डेट डालना दिख रहा है आपको, ठीक है, सिंपल सा। और ईयर देखिए, ये सारे फॉर्मूला वर्कशीट का फॉर्मूला है, तो वीवीए में एक्सेल के जो एक्सेल में वर्कशीट के फॉर्मूले हैं वो मोस्टली फॉर्मूले सपोर्ट करते हैं। जो अपना सपोर्ट करता है, जैसे आप वीवीए में लगाते हो, जैसे एक्सेल में लगाते हैं, यहाँ लगाना, ठीक है। अब फोल्डर क्रिएट करने का कोड होता है mkdir, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। इसके अंदर स्पेस देके पाथ देना होता है कि मुझे डी ड्राइव के अंदर 2017 का फोल्डर बनाना है, तो जो लास्ट में आप बोलो लालोगे ना, वो उसका फोल्डर क्रिएट कर देगा। अब मुझे 2017 के अंदर मान लीजिए
कि मुझे 10 नाम का फोल्डर बनाना है तो इस तरह से लिखेंगे, 2010 के अंदर 4 का फोल्डर बनाना है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। लेकिन मुझे तो ये तो मैनुअल हो जाएगा ना, मुझे तो इसके साथ ऑटोमेट करना है ना। तो यहाँ पे हम दो वर्ड को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे कॉनकटा नेट का इस्तेमाल करते हैं ना, एंड परसेंट लगा के। मतलब कि एक्सेल में कैसे होता है कि दो शीट को जोड़ना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, दोनों को जोड़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एंड परसेंट लगाते हैं और इसको सेलेक्ट कर देते हैं, जुड़ जाता है। तो सेम थिंग मैंने यहाँ पे वाई कर दिया, जुड़ गया। अब इसी को कंटिन्यू हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। एंड y की जगह हम यहां पे कर देते हैं m, ऐसे ही यहां पे स्लैश देना पड़ेगा और यहां पे कर देते हैं m। और यहां पे आगे m के आगे कर देते हैं स्लैश nd, n पर लगाना। ये समझ में आया आप लोगों को? जी सर। हाँ जी, किसी को डाउट? सर एक क्वेश्चन है। सर आपने तीन लाइन में कॉन्केटिनेट किया है, अगर मैं एक ही लाइन में वो पूरा फंक्शन देता एंड एंड लगा के तो वो लेता या नहीं? सर जो तीन कोड को बना रहे हैं ना, जैसे कि मैंने कल बताया था कि एक एक्शन के लिए एक लाइन की कोडिंग होती है, एक लाइन की कोडिंग हम जो तीन फोल्डर बनाना है, मतलब कि पहले 2017 का फोल्डर बनाना है, फिर 2017 के अंदर 10 का फोल्डर बनाना है, फिर 2017-10 के अंदर 4 का फोल्डर बनाना है। ओके ओके सर, ठीक है सर, समझ गया। वन बाय वन करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए डायरेक्ट में इसको चलाऊंगा तो ये सबसे लास्ट, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो लास्ट का वाला पास जो डालते हैं मेन टाइप की उसी को बनाता है। ओके ठीक है, तो मैंने 2017 लास्ट है तो 2017 का बनाएगा, अगर 10 लास्ट है तो 10 का बनाएगा, मतलब कि यहाँ पे लास्ट 2017 है ना, अगर इसके अंदर मैंने एंड परसेंट लगा दिया और हमने यहाँ पे दे दी इसको कर देता हूँ 10 को, तो ये 10 अब 10 को बनाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि 2017 होना ही चाहिए ना, नहीं होगा तो एरर दे देगा ना, राइट। ओके, लेकिन फिर भी एरर तो देगा इसमें, क्योंकि 2017 का फोल्डर हमें एक ही बार बनाना है, हर बार नहीं बनाना है। क्या साल में एक ही बार बनाना है ना, ऐसे मंथ का एक ही बार बनाना है, राइट। और प्रॉब्लम क्या होगा कि वीवी नहीं, आपका फोल्डर कहता है कि एक फोल्डर में या ड्राइव में एक नाम के दो फोल्डर नहीं हो सकते, यहाँ एरर तो देगा ही देगा आपको, फर्स्ट टाइम तो रन करेगा, सेकेंड टाइम एरर देगा आपको। तो उस केस में हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये क्या करेगा, जिस लाइन में एरर होगा उसको स्किप करके बढ़ा दे, मतलब कि इस पे देखा इसने कि 2017 का फोल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है, एरर के रूप में रिजल्ट आया तो इसको स्किप करके इसको रन करेगा, अगर एरर दिया तो इसको स्किप करके इसको रन करेगा, ठीक है। अब मुझे वर्कबुक ऐड करनी है, यहां पे दिया कोड वर्क बुक्स डॉट ऐड डॉट सेव एज, कहां सेव करनी है तो इस लोकेशन में, लोकेशन तो पता चल गया लेकिन नाम क्या होना चाहिए, तो नाम के लिए भी मैंने एंड परसेंट लगाया, और यहां पे दिया डी और उसके साथ उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक्स, और फिर हम एक्टिव वर्क बुक को क्लोज कर देते हैं एंड ट्रू करते हैं
और फिर मैसेज बॉक्स की जगह कर देते हैं, एमएसजी बॉक्स की जगह पे कन्फर्मेशन देते हैं कि फाइल इज क्रिएटेड, मैसेज आएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें आप लोग को? सर इसमें एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज के बाद अगर मैं ट्रू नहीं देता हूँ तो भी तो वर्कबुक क्लोज हो जाता है ना? हाँ, लेकिन अभी बात यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हर जगह पे नहीं होगा। अगर सेव फाइल क्लोज नहीं किया होगा तो नहीं होगा। आपको पॉपअप देखते हैं, वन टू सेव करके पॉपअप आता है ना। हाँ हाँ, ओके ठीक है सर। एक कोड, जब भी आप कोड बनाएं तो मैक्रो रन करने से पहले उस कोड को किस पे डाल दें? नोटपैड पे, ताकि कोड लॉस्ट होने के चांसेस कम रहे। अब मैं इसको रन करता हूं। फाइल इज क्रिएटेड। अब देखिए यहां पे 2017 10 और ठीक है। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया आपको इस माइक्रो प्रोजेक्ट में? प्लीज पांडे जी, एनी डाउट्स? सर एक क्वेश्चन है सर, अगर सपोज मैं मंथ चेंज हो रहा है मेरा और नेक्स्ट डे पे रन करूंगा तो ये एरर नहीं देगा ना? नया फोल्डर क्रिएट कर लेगा ना ऑटोमेटिकली? हाँ, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डेट चेंज होगा ना, जैसे कल रन करोगे तो 5 का फोल्डर बना देगा, अगले में रन करोगे तो 11 का फोल्डर भी बना देगा, अगले साल रन करोगे तो 18 का फोल्डर बना देगा। ओके ओके सर, ठीक है। अब इसी तरह से आपको एक, ये तो सर ठीक है, एक कोडिंग मैंने आपको एक फाइल कोड में आपको भेज देता हूँ मेल पे, तो आप लोग नोट करो कि आपको एक काम करना है। काम ही करना है कि मुझे साल भर में एक फोल्डर को एक फाइल डाउनलोड करने पड़ते हैं, 12 फाइल डाउनलोड हर साल मुझे, जैसे 2017 खत्म होगा ना तो मुझे सालों भर का फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको कुछ ऐसा मैक्रो बनाना है कि 2017 फोल्डर के अंदर मंथ के अंदर हर दिन के हिसाब से फोल्डर और फाइल बन जाए। ठीक है, मुझे 365 फाइल क्रिएट करना है। कितने फाइल क्रिएट करना है? 365 को 12 फोल्डरों में उसके दिन के हिसाब से रखना है। हो पाएगा? यानी कि पर डे का सर एक फाइल क्रिएट करना है? क्या बोले? पर हर एक दिन का एक, लेकिन उसको मंथ का फोल्डर्स करना है, क्योंकि मैंने उसके अंदर में माइक्रो ऐसा सेट कर रखा है कि वो अपने हिसाब से कर देगा अलग। समझा नहीं सर मैं। क्या समझा नहीं, कैसे फोल्डर यानी कितना बनाना है फाइल? मुझे सॉफ्टवेयर से 365 फाइल डाउनलोड करने हैं। हाँ, 365 फाइल डाउनलोड करने हैं तो मुझे एक एक करके 365 बार डाउनलोड करना पड़ेगा डेट सेलेक्ट करके इसके अंदर सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर मैं ईयर फोल्डर का ड्राइव दे दूं तो मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हर डेट के फोल्डर पे जाएगा और उस मंथ के डेट के फोल्डर के अंदर डेटा डाल देगा, फाइल के अंदर डेटा डाल देगा। ऐसे किस पे भी है हमारे पास, बट वो फोल्डर में फाइल क्रिएट होना चाहिए। अच्छा, समझ गए? ठीक है सर। तो मुझे 365 फाइल बनानी है। ठीक है,
मंथ के अंदर ही यानी कि फाइल क्रिएट करनी है। जैसे कि 31 तारीख, मैं अभी मैनुअली बताता हूँ, देखिए कि हमने, हाँ बता दो सर, मैनुअली बता के दिखाता हूँ कि डी ड्राइव के अंदर 2017 का फोल्डर क्रिएट हुआ, इसके अंदर फोल्डर क्रिएट होगा वन का, फोल्डर नंबर वन। अब इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा एक से लेके 31 का फोल्डर, एक से लेके 31 का फोल्डर, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर फील्ड क्रिएट होगा फाइल जिसका नाम होगा वन, ठीक है, इसके अंदर फाइल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा टू, ऐसे हर महीने के हिसाब से बनेगा, ठीक है सर, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर।